आजकल होता है ना, बड़ी जल्दी आप लोग इसी से मुतासिर हो जाते हो और वो फिर नुकसान भी आपको पहुंचाता है। हजरत हुजूर करके बहुत करीब करते हो, करीब होते हो, वो भी करीब होता है और उसके बाद फिर वो नुकसान भी पहुंचाता है। नहीं, जरूरी यह है कि हर लिबास वाले को, हर चेहरे वाले को मत समझो, ये देखो कि इसकी शनाख्त क्या, इसकी पहचान क्या है, इसका शजरा क्या है। पता था पूछते चल कि नहीं, वो बहुत जरूरी चीज होती है। मैं यहां एक बात बहुत जरूरी इस वक्त कह देना चाहता हूं, आ गई है तो इस वक्त जहन में बात आ गई तो कहता हूं, आजकल आपके इलाके में कुछ लोग मेरा रिश्ता, मुझसे रिश्ता कायम करके तुम्हारे बीच घूम रहे हैं, ठीक है ना, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, खुल के सुन लीजिए। अगर उनसे कोई नुकसान पहुंचता है तो मेरे पास आप लोग बताइएगा, ठीक है ना भाई। आज ही अलीपुर से एक मौलाना का फोन आया कि कोई साहब आसाम से आए हैं और अपने को सैयद साहब कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हजरत से हमारे ताल्लुकात हैं और हम उनके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, आज ही बल्ली टोला में। तो हजरत हम क्या करें, सैयद साहब हैं और पैसा मांग रहे हैं, तो क्या हम उनको दे दें। मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया, आसाम में किसी सैयद साहब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अगर वो यहां आए हुए हैं तो बराए करम आप मेरे पास लेकर के आइए ताकि मैं अपने उस रिश्तेदार से मिलकर मालूम तो कर लूं कि तुम हो क्या, है ना। तो रिश्ता खाली देख करके खुश मत हो जाओ, ठीक है ना। मेरा बेटा भी अगर बगैर मेरी इजाजत के आए तो आप उसको इज्जत मत दो, ये दीन का मामला है, ये रिश्तेदारी की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये दीन का मामला है। खुदा न खास्ता अगर किसी ने तुमको गुमराह कर दिया, पदभ्रष्ट कर दिया तो क्या होगा। तो सिर्फ रिश्तों का ख्याल मत कीजिए कि हजरत के बड़े रिश्तेदार हैं, नहीं है। हजरत की सोहबत में कई दिन वो बैठा, हजरत के पास कब आया, हजरत को नाम सुन के भागता है जैसे शैतान भागता है अजान का नाम सुन करके, ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम लोग का नाम सुन के भागते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबसे कहना यही है कि ऐसे फ्रॉडियों से बचिए, सिर्फ ये मत देखिए कि उसके नाम के साथ सैयद लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है। अभी मौलाना ने मुझसे कहा रात में 9-10 बजे करीब गालिबन का फोन आया था, वो नाम नहीं याद आ रहा कौन मौलाना था, अलीपुर मदरसे के वाली में वो मौलाना है, उन्होंने फोन किया मुझे। तो बहरहाल इस तरह